بعده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه محبت نال ذوق نال شوق نال گج وج کے عاشقاں لی آواز پڑھو صلوات و سلام सजनों मैं क्या भी आशकां आली आवाज च पढ़ो अस्सलाम वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला अलिका व सहाबीका या सैयदी या महबूब रब्बिल आलमीन काबिल कदर मुअज्जज मोहतशम हाजरीन व सामईन बुजुर्गो दोस्तों भाइयों नौजवान साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुमला हाजरीन नाजरीन सामीन जुमला मुंताजमीन माफल बिलखसूस बजमे नुशाहिया चुराहिया फाइव फोर एल उकाड़ा साउंड वाले भाई मूवी वाले भाई अहले मोहल्ला अहले इलाका अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मसंद सदारत के जलवा गर पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा वाला शाह पीर सैयद महबूबुल हसन शाह साहेब दामत बरकातहुम अलिया जलवा फरोज हैं। उनके साथ ही उनके बरादरी असगर पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहिब शाही दामत बरकातहु मुलालिया आप भी जलवा फरोज हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सादात का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमाए। अब आप इसी वकार मुझसे पहले आपने बड़े ही आसन अंदाज में सुना और मैं महसूस कर रहा हूं कि आप बड़े शौक वाले लोग हैं मोहब्बत वाले लोग हैं प्यार वाले लोग हैं। आपका शौक समाज बड़ा कमाल का है। जुमला मेहमान ग्रामी वो भी शौक वाले हैं हाजरीन नाजरीन तमाम सनाखा हजरात नकीब माफल मुझे यूं लग रहा है कि जैसे आप इश्के रसूल की मस्ती में झूम रहे हैं। और आप जब हाथ खड़े करके ऐसे हरकत देते हैं ना तो ऐसे लगता है महसूस हो रहा था मुझे कि जैसे मैं फूल गुलाब के जो फूल हैं उसके बाग में बैठा हूं और मेरे सामने गुलाब के फूल हरकत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आशक जड़े होते ना आशका की निशानी ये नहीं होती भी आशक यार दा नाम सुन के मस्त हो जाते हैं झूमन लग पैंदे हैं। आशक दा काम की है जिक्रे यार करता रहना जिक्रे यार सुनता आशक बन के जरा आ चुकया को सुभान अल्लाह माशाल्लाह की नाम आसफ साहब एक राणा वैद साहब सन उन्होंने ज़ियारत नहीं हुई वो कितने
चलो कोई गल नहीं, राणा बरादरा ने हमेशा पशीदा ही रहते। असल च गल ये कि जिक्र यार करना है तो हर रंग च करना है। तुसी पंजाबी कह रहे हो, साड़ी तो मादरी जुबान जुमला बोल के मैं तकरीर का आगाज कर रहा, मैं समझ आ जाएगी कि तुसा किन्ना कुछ सुनना है। प्लीज टेंशन टू मी, इट्स वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस। ओए लोको, मेरे नबी का जिक्र किसी का मोहताज नहीं, ना किसी मौलवी का, ना किसी खतीब का, ना किसी नात खां का, ना किसी मुल्ला का, ना किसी पीर का, ना किसी मलक का, ना किसी खान का, ना किसी आवान का। ओए लोको तवज्जो करो, मेरे नबी का जिक्र किसी का मोहताज नहीं, बल्कि सारी कायनात जिक्र मुस्तफा दी। क्यों? किबला पीर साहब के कदमों पे हाथ रख के अपनी सदा पेश कर रहा हूं। ओए लोको, मेरे नबी का जिक्र किसे दा मोहताज नहीं। कोई हाथ चुक के सुभानअल्लाह ना आखे की समझे कि मैं हाथ चुक के सुभानअल्लाह नहीं आखांगा तो जिक्र मुस्तफा तो हमारा उज़ुबिल्लाह पस्त हो जाएगा। कोई जुबान नु हरकत नहीं देगा तो की समझेगा कि जिक्र मुस्तफा पस्त हो जाएगा। ओए सुनो, जिक्र मुस्तफा होवे सारी मखलूक जिक्र मुस्तफा। अल्लाह फरमाता है वरफा ना का जिक्र, अल्लाह के नबी की बलियों की किसे सुनाओ। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह, आप बड़े कमाल के आदमी हैं। बिल्कुल आपकी बात हम आपको सुनाने आए हैं, जरूर सुनाएंगे, आप जो कहेंगे वो सुनाएंगे। और हम तो वो हैं जो अल्लाह का भी नाम लेते हैं, अल्लाह जिस जिस को मनवाता है उसको भी मान। आज तो पुत्र मजा आना है, मुकाबले की टक्कर हो ना सोना तो फिर मजा आना है। हाँ, अजय तुसी जानते नहीं ना मैनू, ये तो सादात ते करम नवाजी है। मैं इन्हों खादम नौकर हाँ आले नबी का। असी बलिया मनन वाले हाँ, असी बलिया के कदम की खाक हाँ। ये और बात है कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज पुत्र तू जो जो आखेगा मैं वो सुनाऊंगा। हाथ चुक क्या बात जरा सुने, वो कहते हैं जी बलियों के किस्से सुनाए। जुमले की आवाज सिर्फ इतनी आई है मुझे। पहली बात तो ये कि जेडे किस्से कहानियां होंगे ने असि उनके कायल नहीं। शरीर तो रुक गया बदल, मैं देखना कि तुसी कितना कुछ सुन रहे हो। हसनैन नूरी की सदा सुने, जरा सुननी वो है जो किससे कहानी नहीं सुनाता, या अल्लाह का कुरान पढ़ता है या मुस्तफा का फरमान। बोलो तो सही है। अरे बाबा, ये बच्चों का खेल नहीं, तुमने क्या समझ रखा है? सुन्नी वो है या अल्लाह का कुरान पढ़ता है या मुस्तफा का फरमान पढ़ता है। टंके की चोट पे गुफ्तगू करना फकीर की आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में फकीर ने यही ऐलान किया, सुन्नी कभी कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाता। क्यों? वो कहते हैं जी सुने जी क्या हो रहा है महफिले पाक में, कभी हुस्ने मुस्तफा के तज़किरे, कभी जुल्फे मुस्तफा के तज़किरे, कभी यदुल्ला के हाथों के तज़किरे, कभी यासीन के सेरे के तज़किरे, कभी तोहा के सेरे के तज़किरे, कभी बंदुहा के चेहरे के तज़किरे, कभी अलम नशरा के सीने के तज़किरे, और कदे यार दिया जुल्फा दे कुंडल दे तज़किरे। किबला पीर साईं, कदे सोने मदीने दे तज़किरे। इन्हां नूं की हो गया है? सिर्फ ए महफलां विच ए जुल्फे मुस्तफा दे कुंडल किधरों आ गए? मैं क्या सारा ईमान ही मेरे नबी दे हुसन विच डुब गया।
दोवे हाथ चुको जरा। नहीं 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 मैं कुरान शुरू करना, दोवे हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। जिक्रे यार की बात कर रहा हूं, अल्लाह भी जिक्रे यार करता है कुरान में। आप पढ़ कुरान, रब ने कुरान के अंदर किधरे हुस्ने मुस्तफा दे तज़किरे कीते ने, किधरे ज़ुल्फ़े मुस्तफा दे तज़किरे कीते ने, किधरे अलम नशरा दे सीने दे तज़किरे कीते ने, किधरे सोने मदीने दे तज़किरे। और किबला में आपको एक बात बता, यही ईमान है, ए ईमान है। यार दे चेहरे दी गल करना साडा ईमान, यार दी ज़ुल्फ़ दी गल करना साडा ईमान है। ओए तवज्जो कर, सोने मदीने दा जिक्र करना साडा ईमान है। ओए नबी दी असहाब दी गल करना साडा ईमान है, नबी दी आल दी गल करना साडा ईमान। हुण मैं कुरान पढ़ने जरा दोवे हाथ चुक कह सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम तवज्जो फरमाओ, अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है, हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल शैइन अली। आयत नंबर दो, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबशिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। नहीं नहीं कुरान सुन के सारे हाथ चुके आखन के सुभान अल्लाह। मैनू पता लगे मैं नबी दी आशका च बैठा, मैनू पता लगे मैं सहाबा दे मनन आलिया विच बैठा, ओए मैनू पता लगे मैं नबी दी आल नू मनन आलिया दे विच बैठा, और मैनू ए भी पता लगे मैं अपने जिला उकाड़ा च बैठा। सलामत रखे अली हसनैन ने नकाबत की बड़ी सोहनी, ओए अली हसनैन मैं हसनैन आप। अगे मैं रस्ते च पीर साई नूं गल करदा हुंदा सी, हजूर इन्हां क्या जी 54L कोट जान मुहम्मद, 54L कोट जान मुहम्मद। मैं आखा किबला ए तां नाम च बड़ा राज है, पंज भी है चार भी है नाले कोट जान मुहम्मद भी है। एदली पालती जेडे मेरे बेली बैठे सजा चुकया को सुभान अल्लाह। मैं जुमला फिर दिया, प्लीज टेंशन टू मी, इट्स वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस। मैं क्या लोको पांच भी चार भी नाले कोट जान मुहम्मद, इथे पंजानू मनन आले भी असी, पंजानू मनन आले भी असी, चावानू मनन आले भी असी, जान मुहम्मद। और मैं क्या इथे ओ बैठे ने जेड़े अपनी जान मुहम्मद नु समझदे ने। नारा रिसालत ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। नहीं नहीं जुमला बड़ी तवज्जो नाल सुनना है, जुमला मैं तुहानू देना है ते फिर मैं वेखना है किन्ना कु ज़ौक लेके बैठे हो। जुमला दोबारे ते सुनो, जुमला हजूर जुमला दोबारे ते साउंड वाले भाई तवज्जो, अव्वल तो लेके आखिर तक ए बच्चे बैठे ए जवान बैठे, प्यारे बरादरा जुमला सुनी। हसनैन नूरी का ये जुमला है, नबी के आशिक का ये जुमला है। ओए लोगो हम नबी के नौकर हैं, जुमला दिल की तख्ती पे लिख ले। और मैं क्या लोको साडी जान दा नाम मुहम्मद है, और साडे ईमान दा नाम मुहम्मद, साडी जान दा नाम साडे ईमान दा नाम मुहम्मद है। असी हर वक्त यार दे तज़किरे करते रहे। कुरान फिर
कुरान सुना अजे तक तो मैं दो आयत पढ़निया ने अजे मैं पढ़िया ने अगे भी पढ़ना हूँ कुरान सुनता जा सुभान अल्लाह कहता जा फिर मैं इनका तर्जमा करा आयत नंबर 3 अल्लाह फरमांदा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर आयत नंबर 4 या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम किधरे का फरमांदा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन किधरे का फरमांदा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वाला सौफा यो दीका रब्बू का फतर दा होने मैं तर्जमा करन लगिया आरफे खड़ी शरीफ मियां मोहम्मद बशरा मतुल्ला लेता है बलियां दी गल तुसी कह जी बलियां दी गल सुनाओ बलियां दे किस्से नहीं होंदे हाय हाय किल्ला बलियां दे किस्से नहीं होंदे किस्से कहानी दा तल्लक होंदा है ज़मानियां नाल बली जिदा भी बोलते ने अपनी जुबान चू जुबान होना दी होंदी ये बोलता मेरा जुबान होना दी होंदी ये ताकत कुदरत मेरे रब दी होंदिया ने ए जिहड़ा मैं कुरान पढ़िया ना इंदा तर्जमा मियां साहब ने फरमाया मियां साहब फरमांदे ने ओ ज़ेरा ज़बरा ते शद्दा मैदा ज़ेरा ज़बरा ते शद्दा मैदा आका सब शान तेरी विच ओए आया ओए आमा लोका ओए खबर न काई ते खासा रमजा ओए पाया रानी सलाम हुन तवज्जो जरा मेरे वल रखी मैं कुरान पढ़िया है अल्लाह ने कुरान दे अंदर अपने यार दे तज़किरे कीते ने ते मियां साहब फरमांदे ने ओए लोगो कुरान सारे पढ़दे ने पर हर किसे नु कुरान समझ नहीं आंदा किबला पीर साईं हर किसे नु कुरान समझ नहीं आंदा कुरान ओनु समझ आंदा ही जेड़ा मुहम्मद दे दर ते बह के कुरान पढ़े जेड़ा मुहम्मद दा गुलाम बन के कुरान पढ़े ओए लोगो जेड़ा अली दा नौकर बन के कुरान पढ़े जेड़ा औलियाए कामिलीन नु बन के कुरान पढ़े कुरान ओनु समझ आंदा हर किसे नु कुरान समझ नहीं आंदा कुरान समझिया ते मेरे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कुरान समझिया कुरान समझिया ते मेरे बाबा करमा वाले शरीफ ने समझिया ओए लोगो कुरान समझिया ते पीर मेर अली शाह ने समझिया कुरान समझिया ते दाता अली हजमेरी ने कुरान समझिया कुरान समझिया ते ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कुरान समझिया आ मैं दो जुमलिया च गल करन लगिया वा हसनैन नूरी कहंदे जेड़ा कुरान पढ़ के जेड़ा कुरान पढ़ के नबी दी गुस्ताखी करे जड़ा कुरान पढ़ के नबी दी अजवाज दी गुस्ताखी करे जड़ा कुरान पढ़ के नबी दी आल दा मुनकर बन जाए जड़ा कुरान पढ़ के नबी दी असहाब दा मुनकर बन जाए समझ नहीं पे हदायता कुरान पे पढ़ दे ते केड़ा कुरान पढ़ के नबी दी नाता पढ़े जड़ा कुरान पढ़ के बलियां दी शाना बयान करे जड़ा कुरान पढ़ के असहाबे रसूल दे तज़किरे करे जड़ा कुरान पढ़ के आले रसूल दा गुलाम बन जाए समझ नहीं ए कोई मोमन कुरान पिया पढ़दा है जरा दुमे हाथ चुक के आखो यार सुभान ढिले हो गए हो तुसी कुरान पढ़ के असहाबे रसूल दा गुलाम बन जाए ओए कुरान पढ़ के आले रसूल दा नौकर बन जाए
कुरान पढ़ के नबी दिया नाता बयान करे, समझ लइए मोमन कुरान पे पढ़ते। कहोगे हजरत साहब तुहाडा फतवा है, मैं कहनी कुरान का फतवा है। हजूर ये कुरान का फतवा है, अल्लाह के कुरान ने खुद बयान किया, युदिल्लू बेही कसीरम व यहदी बेही कसीरा। फरमाया लोगो बहुत सारे कुरान पढ़ के गुमराह हो गए, बहुत सारे कुरान पढ़ के हदायत पा गए। मौला कुरान तेरे ते गुमराह केड़े होए ते हदायत केड़े पा गए। पैमाना ही कोई है, जेड़ा कुरान पढ़ के नबी विचों ऐब कटे समझी बेहदायत है, ते जेड़ा कुरान पढ़ के आखे सबसे औला वाला हमारा नबी समझी ईमान। नहीं नहीं दोवे हाथ चुके यार, कैसे हुआ चुकी रख, मैं पता लगे मेरे नाल दे कीड़े। असि ओवे जेड़े कुरान पढ़ के की कहने वाला आला हजरत दी जुबान च ना तर्जमा कर ले। फौजी गुलाम दस्तगीर साहब भी बैठे बड़ी मोहब्बत वाले ने आला हजरत मुजद्दद दीनो मिलत शाह इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तआला, आपने जिस वक्त कुरान पढ़िया ना आपने यही दर्स दिता है। हाँ सजना तवज्जो करी, हर सुनी दा गली गली यही नारा है, सबसे औला हो आला हमारा नबी। मोहब्बत नाल जिन्ना उच्ची पढ़ना आ चुको हा, मैनू पता लगे मेरे नाल दे कड़े। लै भी कैमरे वाले हुण कैमरा घुमा के आशकां दे हाथ वेख किवें झंडे बने ने, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। दोवे हाथ चुक के मोहब्बत रसूल की गवाही दे यार, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा, हाथ चौके यार मोहब्बत नाल, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा। अजमल तेरी तवज्जो कितने हो रहे, इधर जरा मेरे वाल देख, और मैं की पे आखना वा, तवज्जो जरा मेरे वाल रख, और मैं क्या, आदम सफीउल्लाह है तुर गए, नूह नबीउल्लाह है तुर गए, इब्राहिम खलीउल्लाह है तुर गए, मूसा खलीउल्लाह है तुर गए, ओए लोको ईसा रूहउल्लाह है तुर गए, पर आज भी देख ले हुकूमत मेरे नबी दिए चर्चे मेरे नबी। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਆਸ਼ਿਕ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ। ਨਾਰਾ ਏ ਹੈਦਰੀ, ਤਾਜਦਾਰ ਏ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰ ਏ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਲਬੈਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਲਬੈਕ लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। मैंने क्या कहा है, सारे नबी आए टुर गए, पर साडा नबी आया है ते गया नहीं, आया है हजूर ते गया नहीं। बंदे आंदे ने सुनैन नूरी वजद च आ गए हैं, होश ठिकाने नहीं तेरा, कुल्लू नफ्सन जायकातुल मौत नहीं पढ़िया, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना, खैर कुरान नहीं आंदा तेनू, तू कहना नबी आया ते गया नहीं, की हो गई। वो मैं क्या, होश भी सलामत ईमान भी सलामत, और चाचा तवज्जो नाल सुन यार, होश भी सलामत है ईमान भी सलामत है, किवें? मैं क्या, पहले नबी आए चले गए, क्यों? जिस वक्त एक नबी तो बाद दूसरा नबी आंदा, किबला पीर साईं, पहले नबी दी शरीयत मनसूख, तरीकत मनसूख, किताब मनसूख। ओए लोगो सुनो, हसनैन नूरी गली गली ऐलान करदा फिरता है, मैं क्या लोगो मेरा नबी आया लेकिन गया नहीं, क्यों? क्योंकि आज भी कलमा मेरे
नबी दा, क्योंकि आज भी किताब कुराने मजीद मेरे नबी दी, आज भी नबुवत मेरे नबी दी, ओए लोको आज भी शरीयत मेरे नबी दी, ओए आज भी हकूमत मेरे नबी दी। हजूर आए गए, हा हा हा, हजूर आए पर गए नहीं, क्योंकि ओ महबूब है जड़ा अव्वल भी है ते आखर भी है, हुवल अव्वल वल्लाहिरु वज़ाहिरु वल्बातिन। हुन अपने नबी दी शान सुनी जरा, फरमाया अव्वल भी यही है आखर भी ओए लोको तवज्जो करो, कैसा महबूब है। रब फरमांदा है अव्वल पोजीशन भी मेरे यार दी, आखर पोजीशन भी मेरे यार। नहीं नहीं सियाने लोग बैठे हो, एक गल मैं तुसी ए दसो, जेड़ा आखर ते होवे ओ पहले नंबर ते किवें हो सकदा है। इट्स वेरी सिंपल, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान तो बाद रिजल्ट बोलता है, ते उस्ताद कहंदे ने ए बच्चा तीजे नंबर ते आया है, किनवे नंबर ते आया है, ते नाल ही कहंदा है पहले नंबर ते भी है। बंदे परेशान होंगे, बैठे हुए स्टूडेंट दूजे आखणगे उस्ताद जी खैर है जे तीजे नंबर ते आया है ते फिर पहले नंबर ते किवें। हां जी किबला फौजी दस्त गुलाम अव्वल भी ते आखर भी, अव्वल भी ते, फिर बोलो अव्वल भी ते, अव्वल भी ते, या इलाही माजरा क्या है, जो आखर पे हो वो अव्वल कैसे। दुनिया का कानून है जो थर्ड पोजीशन पे हो वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होता, जो लास्ट में हो वो वन पे नहीं होता। ये कैसा है महबूब तेरा जो अव्वल भी है आखर भी है। मुक्ति गल मौका मा बस तवज्जो करें, रब नु पता सही, कई बंदे तरह तरह के ज़हन रखने वाले होते हैं, कई फलासफर भी होते हैं, वो फिर मंतकी सवाल करते हैं, फलसफी सवाल करते हैं, मंतकी ते फलसफी सवाल कैसे। हाँ अव्वल होना भी शान वाली गल है, आए हाय जिला पीर साहिब, अव्वल होना भी शान वाली गल है, आखिर होना भी शान वाली गल है। तवज्जो कर, वो फिर सवाल कर दें, सिर्फ नबी अव्वल है ते आखरी कोई हो रे, जे आखर है ते फिर अव्वल कोई हो रे। फरमाया नहीं, मैं अपने यार ते उंगली उठना बर्दाश्त नहीं करता। ओए लोगो सुनो, अल्लाह ने फरमाया फर्स्ट पोजीशन भी यार नु दिती है, आखरी पोजीशन भी यार नु दिती है, ताकि कोई पहले देखे फिर भी मोहम्मद का चेहरा नजर आए, ये कोई आखर देखे फिर भी मोहम्मद का चेहरा नजर आए। कोई अव्वल वेखे फिर भी, ते जिस वक्त कमली वाले आए आपदा नूरे नबुवत चमकी आए, ते फरमाया लोगो मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबी। फरमाया हुण मेरा महबूब आ गया है, हुण मेरा महबूब आ गया है, इस तो बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। आ फिर आशिका की जुबान तर्जमा कर लिए, सितारों से कह दो अब कुछ करे महताब मुनव्वर आता है। कुछ ना मेरे नाल पढ़ना, हिम्मत करो यार, हिम्मत करो, एडे ढिले ना पो जिते ढिले तुसी बन रहे हो, एडे ढिले वैसे तुसी हो भी नहीं, क्योंकि नबी दा आशिक होता ही हो जड़ा इश्क़े नबी च जवान होवे, ते जवान बन के हाथ चुके सितारों से कह दो अब कुछ करे महताबे मुनव्वर आता है। पैगंबर तो सब आ ही चुके, पैगंबर तो सब आ ही चुके, अब सब का पैगंबर आता।
लिखा है पैगंबर तो सब आ ही चुके अब सब का पैगंबर आता है। बरादरानी सलाम तवज्जो करना मैं क्या लोगो मेरा नबी होवे जड़ा अव्वल भी है आखर भी है जाहिर भी है बातन भी है। रब फरमांदे लोगो मैं सारिया शाना अपने यार नु अता फरमाया। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारज नबुवत के अंदर इस आयत की तफसीर करते ने। आपने फरमाया लोगो ए आयत अल्लाह की हमद भी है मुस्तफा की नात भी है। फरमाया अव्वल होना मेरे अल्लाह की भी सिफत है आखिर होना मेरे अल्लाह की भी सिफत है जाहिर होना मेरे अल्लाह की भी सिफत है बातन होना मेरे अल्लाह की भी सिफत है। ओए लोगो कैसी शान है रब फरमांदा है मैं भी अव्वल हां अपने यार नु भी अव्वल बनाया है। तवज्जो नहीं की रब फरमांदा मैं भी अव्वल अपने यार नु भी अव्वल बनाया मैं भी आखर आऊं अपने यार नु भी आखर बनाया मैं भी जाहिर आऊं अपने यार नु भी जाहिर बनाया मैं भी बातन आऊं अपने यार नु भी बातन बनाया। ओए लोग ओए मेरे अल्लाह दिया भी शाना ने मेरे मुहम्मद दिया भी शाना अल्लाह दिया भी शाना कैसा मकाम है। आए देखे हजूर अल्लाह दी हमद भी ते मुस्तफा दी नात भी। हुण एक गल जरा तवज्जो नाल सुनिया जे अखे वेखो इन्हां नूं की हो गया झंडियां लाई बैठन लाइटां लाई बैठन महफल सजाई बैठन साउंड लाई बैठन मजमा बुला के लंगर पकाई बैठन ते नाल ही लिख देन नाल ही कहंदन अल्लाह अकबर नारे तकबीर नाल ही कहंदन नारा रिसालत या रसूल अल्लाह रब दा भी ते नबी दा भी ना। हुण तवज्जो कर आखिर इन्हां नूं होया की है नबी नूं रब नाल रलाई जांदे ने रलाई जांदे ने रलाई जांदे ने। आई डोंट क्रिटिसाइज एनीबडी मैं किसी पे तंकीद नहीं कर रहा हाथ जोड़ के पैगाम मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। कोट जान मोहम्मद के गयूर मुसलमान भाइयों हसनैन नूरी की सदा सुनना और मैं क्या लोगों असी नबी नूं रब नाल नहीं मिलांदे रब ने आपे यार नूं आदे नाल रलाया होया आपे यार नूं अपने नाल रलाया होया आपे। पहला कलमा सारे पढ़ दे सारे पढ़ दे सारे दाढ़ी वाला भी दाढ़ी मोण भी हजूर पग वाला भी टोपी वाला भी काला भी ते गोरा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे एक बारी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत नाल पढ़िया करो बेटा मोहब्बत नाल। सिर्फ समझाना चाहना बड़ी तवज्जो नाल गल समझनी है। इस कलमे दे दो हिस्से ने किन्ने पहला हिस्सा तौहीद है दूसरा हिस्सा रिसालत है। मैं थोड़ा जो होर आसान कर इस कलमे दे दो हिस्से पहले हिस्से विच अल्लाह है दूसरे हिस्से च मुहम्मद है। ईमान दा इन्हां दस्या जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ते मुहम्मद दे दरमियान वाओ भी है वाओ नहीं। मैं क्या लोको पहला कलमा सारे पढ़ दें अमीर गरीब काला गोरा छोटा बड़ा ते जेड़ा पहला कलमा है ना रब ने उस कलमे दे विच अपने यार दे नानू आदे ना दे नाल मिलाया होया है। इत्थे ही नहीं 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 अबू अल बशर सैयद ना आदम अलैहि सलाम आपने अपने पुत्र शीश नु वसीयत की चंगे प्यो पुत्रा नु चंगी वसीयत कर दे। ओए तवज्जो नाल सुनो चंगे प्यो पुत्रा नु चंगी वसीयत कर दे नेकी दी तलकीन कर दे। बाप भी नबी बेटा भी नबी है। बाबे आदम ने बुलाया शीश अलैहि सलाम बेटा शीश है तेरा जी अब्बा जी। फरमाया मेरे जान तो बाद एक नाम दी तजीम करी अब्बा केड़ा नाम फरमाया मोहम्मद। सारे बोलो मोहम्मद मोहम्मद। अब्बा जी केड़ी खास गल इस नाम च तवज्जो करनी है बेटा भी सियाना सी ना पूछ लिया हुन बाबे आदम जेड़ा जवाब दिता तुहानू मैं सुनाना चाहना वा
अपने हाथ थले ना रखी जवाब सुन के। बाबे आदम ने किया बेटा जिस वक्त अल्लाह ने मैनू बनाया बना के मेरे जिस्म में रूह नु फूकिया जिस वक्त मेरे जिस्म में रूह आई मेरी अख खुली मेरी पहली नजर अल्लाह दे अर्श ते पई कि अर्श ते पाए ते लिखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते मैं समझ गया पुत्रा ए ना कोई आम नहीं बनाई प्यारा जोर ला के कहना नाम विच नूर विच नबूवत विच तखलीक विच शान विच हुसन विच सीरत विच सूरत विच ओए जिक्र विच नहीं मैं चस नहीं आई यार जिक्र विच सारे हाथ चुकन गए सुना ते जिक्र विच नहीं नहीं मैं चस नहीं आई फिर आखो जिक्र विच जिक्र विच जिक्र विच आज हसनैन नूरी का इट्स अ हिस्टोरिकल सेंटेंस किबला ये तारीखी जुमला कोट जान मोहम्मद की सरजमीन पे हसनैन नूरी बोल के जा रहे हैं साउंड वाले भाई तवज्जो कर तारीखी जुमला हसनैन नूरी का मैं क्या लोगों कायनात च एक मोहम्मद है जिंदा सब तू ज्यादा जिक्र हो आए 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 कायनात च एक मोहम्मद है जिंदा सब तू हथां दे छंडे भी बनाने ते जोर भी लाने मोहब्बत ए मुस्तफा दा वास्ता पे देना कोई हाथ थले ना होवे जेड़ा हाथ चुक के पड़ेगा कयामत वाले दिन अल्लाह सजे हाथ च नामा माल अता फरमाएगा हुन सारा जमाना एक पासे हुन सारा जमाना एक पासे हसनैन दा नाना एक पासे जी हसनैन नाना एक पासे हन सारे मुरसल एक पासे हन सारे मुरसल एक पासे हसनैन दा नाना यार जोर ला दियो हसनैन दा नाना मैं सदके जावा तुहाडे मुकद्दरा तो यार ओ वे हाथ चुक के हसनैन दा नाना एक पासे हसनैन दा ओ जेडे पिछले बेली बैठे ना मेरी नजर जा रही है तुहाडे चेहरे पे चमकदे ने हाथ चुको जरा हसनैन दा नाना जेडे खड़े ने ओ वी हाथ चुको हसनैन दा नाना एक पासे हुन सारा जमाना एक पासे हसनैन दा नाना एक पासे जी हसनैन दा नाना तवज्जो जरा मेरे वाल रखी हुस्ने यूसुफ हमें ईसा यदे पैजादारी आंचे खूबा हमा दार तू तनहादारी हसनैन दा नाना एक पासे हसनैन दा नाना सर्वर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे सर्वर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे सर्वर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे आका बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे आखर रजा ने खत्म सुखर इसमें कर दिया खालिक का बंदा खलक का आका कहूं तुझे होना चुको हसनैन दा नाना एक पासे हसनैन दा नाना एक पासे हुन तवज्जो करी आदम सफीउल्लाह रूह नजीहुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ईसा रूहुल्लाह ओए लोगो मेरा नबी हबीबुल्लाह हुन
चुक यार हसनैन दाना सारे हाथ चुको सारे तुसा हाथ चुकने नहीं मैं बंद करना नहीं पुत्र मैं आख दुआडे ते दोवे हाथ चुको हसनैन दाना एक पासे हसनैन दाना एक पासे हुन सारा जमाना एक पासे हसनैन दाना आ हुन हदीस भी सुन ले ए ना थी ओ मेरा भरा किधे गया साना सुनन वाला मेनू पहले ही पता सी पहले ही पता सी हाय चलो बहरहाल असी मुहब्बत वंडन वाले यार प्यार वंडन वाले आस्थाना वाली मोल शरीफ तू आए सानू इथों मुहब्बत दी खरात क्या बात अल्लाह सलामत रखे मेरा दिल करता है मैं तेरा मत्था चुम लवां ओए नबी दे नौकर जड़े हसनैन नूरी उन्हां दा नौकर और आज सरे मैदान बात कर रहा हूं सिकंदरी पर वो थूकते नहीं आका बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में अरे आने वाले प्यारे शहजादे मैं एवं तो नहीं किया मैं तेरा मत्था चुम लूं तू मेरे महबूब दा ना लवे मैं तेनू चुमा भी ना आए नहीं समझिया मैं किसी दुनियादार को नहीं करा मैं किसी बादशाह को नहीं कह मैं किसी वजीर को नहीं कह रहा बस गल इनी है जेड़ा यार दा जिक्र करदा है वो आंदा ना मेरे यार नु मंदा ना बोली ते साडी भावे जान खड़ आए ओ यार हाथ चुक के कह सुभान ओए मेरे यार नु मंदा ना बोली ते साडी भावे जान कर ले अजमल पुत्र मेरी तेरे चाखे तेरा भी मत्था मैं ता चुमना तू यार दी ना ओए एवे नहीं मैं किया मेरा रब फरमांदा है मूसा कलीमुल्ला नु मूसा जा एक बंदे नु मखलूक ने सट दिता ही लोग नेड़े नहीं जांदे ओ दुनिया तो टर गई है जा ओदे दफन दा भी तमाम कर ओदे दफन दा भी तमाम कर औला बड़ा गुनहगार है लोग कहंदे ने चंगा नहीं रब फरमांदा है असी ओनू नहीं वेखिया असी यार दा नाम वेखिया चुम्मे साडे यार दे नाम नु ते फिर लूड़ी ते प्यारा ओए बोलो यार सुभान अल्लाह इश्क़े मुस्तफा की मस्ती बयान कर रहा हूं रब फरमांदा चुम्मे मेरे यार दा ना देखना मुल्ल किवें पैंदा मुल्ल देख किवें पैंदा हुण जुमला मैं तुहानू देना कोट जान मुहम्मद आले नबी दे आशिको हाथ जोड़ के हसनैन नूरी जुमला पे देंदा है हजूर मैं किया जेड़ा सिर्फ ना नु चुम्मे फरमांदा मूसा तू जा ते जेड़े नाम भी चुमदे ने नारे भी लांदे ने लंगर भी पकांदे ने हाथ भी चुकदे ने ते जोर भी ला के कहंदे ने सुभान अल्लाह ओ रब इना नाल किन्ना कु प्यार हाय हाय साउंड वाले भाई सलामत रहो अल्लाह खुश रखे अल्लाह सलामत रखे तेरा जिक्र नबी तेरा साउंड नबी दे जिक्र च चलदा रहे अल्लाह सलामत रखे रब साडे नाल बड़ा प्यार करदा है ए वेखो ना जी गल होंदी जेड़ी मैदान रब साडे नाल बड़ा प्यार करदा है बड़ा प्यार करदा है हसनैन नूरी दलील की है मैं क्या तेरे यार दी कोई तारीफ कर देवे तैनू चंगा लगदा है ना मेरा नबी रब दा महबूब है ते जेड़ा ओदे महबूब दीयां नातां पढ़े ओ रब नूं प्यारा नहीं लगदा जेड़ा ओदे महबूब दीयां नातां ओ आ वेखना सुन सुन तवज्जो नाल सुनी जरा बिलाले हफी होवे रंग दा काला है अरबी नहीं अजमी है होठ मोटे मोटे अरबी नहीं अजमी है आका नहीं गुलाम है हजूर फरमांदे ने मिराज वाली रात हजूर इशक दा रंग वेखो जरा इशक दा रंग वेखो फौजी गुलाम दस्तगीर हजूर फरमांदे ने मैं जन्नत च गया मैं जन्नत च गया मैं की सुनना वा फसमे तो खश खश का इमामी फइजा हुवा बिलाल हदीसा सुन के भी दोवे आ जा सुभान अल्लाह यार अजे तक थानू मैं कुछ सुनाया ही नहीं अभी तो इब्तदाए इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या तवज्जो ऐ मकामे इश्क हुजूर फरमा
ਰਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜੰਨਤ ਚ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਟੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਨਤ ਚ चौधरी बड़ा लिखा अल्लाह फरमाता है फरमाया मुनाफक जहन्नम के निचले हिस्से च होंगे एक पासे बिलाल ही ओए रंग दा काला है गुलाम ही फरमाया फतह मक्का दे मौका ते मुहम्मद अरबी ने बिलाल आज खाना काबा दी छत ते चढ़ जा ताकि दुनिया वाले नु पता चल जाए जेड़ा मुहम्मद दा बन जाए रबो दे नाल इना को पिया जड़ा मुहम्मद का बन जाए रब दे नाल बस अज मैं तुहानू यही पैगाम देना चाहना यार तकरीर वेखो किस मकाम ते आ गई हजूर फरहान भाई तुहाडा ना क्या बात है फरहान फरहान का मैं होंदा दो खुशियां सानू अज दो खुशियां हो रही हैं एक तो तुसी इत्थे बैठे हो दूजा तुसी नात पढ़न वाले मुहब्बत अल्लाह ने भी फरमाया नबी से ये इश्क है अल्लाह को इस वास्ते यार नु ओदे दिते और आज कोट जान मोहम्मद वालों को ये मैं बताना चाहता हूँ एक है मोहब्बत करना एक है मोहब्बत किस हद तक हजूर एक है मोहब्बत करना यहाँ बड़े दानिशवर चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं अकलमंद लोग बैठे हैं मोहब्बत करना एक है किस हद तक करना आओ हसनैन नूरी ये कहता है इस पूरी रुवे जमीन पे जितनी भी मोहब्बतें हैं सारी मोहब्बतें लिमिटेड हैं एक मोहम्मद की मोहब्बत है जड़ी अनलिमिटेड है कईयां बेलियां समझ नहीं आई इंग्लिश का लफ्ज ही मैं सादा कर देना यार तवज्जो दुनिया च जिन्निया भी मोहब्बतां ने सारिया मोहब्बतां दी हद ते एक मेरा यार मोहम्मद है जितनी मोहब्बत की हद जिंदी मोहब्बत की हद मोहब्बत कैसी होती है उसका रंग क्या होता है उसकी सूरत कैसी होती है हैं? उसके रूप कैसे होते हैं? आज मैंने ये बयान करना है कि मोहब्बत किस हद तक करनी यार नाल मोहब्बत किस हद ऐ वेख ऐ मोहब्बत दी अलामत ऐ ही मोहब्बत ऐ लाइटा लाना मोहब्बत ऐ यार दे नाल ते हाथ चुकना लंगर पकाना नाता पढ़ना ओए सुनना ओए यार दे नारे लाना मोहब्बत यार दी गल मनना यार दी गल सुनना मोहब्बत तवज्जो कर मोहब्बत क्या है तवज्जो कर मोहब्बत किस हद तक करनी है हसनैन नूरी का ये जुमला बुलाना नहीं गली गली कूचा कूचा नगर नगर में ऐलान करता फिरना वहां मैं क्या बाप नाल मोहब्बत करेगा बाप दी मोहब्बत दी हद दे बेटे नाल मोहब्बत करेगा बेटे दी मोहब्बत दी हद दे बीवी नाल मोहब्बत करना है बीवी दी मोहब्बत दी हद दे ओए लोको सुनो बेली सजना नाल मोहब्बत करना है बेली दी मोहब्बत दी हद दे एक मदीने दे ताजदार है कितनी मोहब्बत दी हद कोई नहीं रब भी बेहदो बेहिसाब मोहब्बत करता है ते रब चाहता है कि मेरे यार नाल बेहदो बेहिसाब मोहब्बत है बेहदो बेहिसाब मोहब्बत करो आओ मैं तुम्हें बताऊं बेहदो बेहिसाब मोहब्बत कैसे करनी है कैसे करनी है जैसे यार की सूरत है वैसे अपनाओ
ਐ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਤਵੱਜੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਐ ਮੁਹੱਬਤ, ਐ ਮਾਹੇ ਸ਼ਬਾਨ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਗਾਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਫਿਕਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਲੋਗੋ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹਰ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਸਨੈਨ ਨੂਰੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਮਾਜ਼ ਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਰੋਜ਼ੇ ਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਮ ਹਰ ਜੋ ਯਾਰ ਨੇ ਕੀਆ ਔਰ ਯਾਰ ਕੀ ਆਦਤ ਸਮਝ, ਯਹੀ ਇਮਾਨ ਕਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਕਲਬੀ ਤਲਕ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ, ਯਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗਾਂ। ਵੋ ਆਂਖ ਆਂਖ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਮੇ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਦਿਲ ਦਿਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਮੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ, ਵੋ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਵੋ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਮੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਬਗੈਰ ਯਾਰ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਿਮਾਜ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਯਾਰ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਿਮਾਜ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਨਿਮਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਖਿਆਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ, ਅੱਛੋ ਕਿਆ ਖੋ ਯਾਰ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਖਿਆਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਖਿਆਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਲੋਗੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਾਥ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਗੋ, ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਯਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਨਾਬੇ ਸਮਾਨ ਵੁਜ਼ੂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਲੀ ਕੀਤੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਚਿਹਰਾ ਧੋਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਟੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕੁਮ ਤੁਮੀਨ ਸਲਾਤੀ ਫਗਸਿਲੂ ਵਜੂਹਕੁਮ, ਕਿਬਲਾ ਭੀਰ ਸਾਈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਧੋਵੋ, ਕਲਾਈਆਂ ਧੋਵੋ, ਸਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰੋ, ਪੈਰ ਧੋਵੋ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਚਿਹਰਾ ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪੂਣੀਆਂ ਤਿੱਕਣ ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋਵੋ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣ। ਅਰੇ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਜਨਾਬ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਲੀ ਕੀਤੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਬੇਲੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਅਦਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਵੇਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਖੁਸ਼ਵਾਨ ਲਾਖ,
मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, मैं फर्ज मोहब्बत सज्जा हाथ चो क्यों पढ़ना पैना है, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, मैं फर्ज मोहब्बत अदा सारे आ चुको, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, मैं फर्ज मोहब्बत करना ले आ चुको यार एंड तक, ओ चाचा जरा बैठे आ चुके जरा, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, मैं फर्ज मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हौसिया नारे हैदरी अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद अबाबिसी बकार आखिर पे हाथ जोड़कर आपको सदा करना चाहता हूँ कि मोहब्बत का तकाजा यही है कि यार की अदाओं को अदा किया जाए। हमारी ये महफिल मनाने का मकसद ए रात में इतने जागना लंगर पकाना किबला पीर साहब दा तशरीफ ले आना मेरा पढ़ना दुआडा सुनना इंदा की मकसद है असि यार दियां सुन्नतां नूं अपनाण लग पैणा असि नमाज पढ़ने वाले बन पाए और असि कुरान पढ़ने वाले बन पाए असि मस्जिदां नूं आबाद कर असि हर वह काम करिए जिंदे विच अल्लाह भी राजी हो जाए अल्लाह दा रसूल भी राजी हो जाए। हाथ चुक के एक बारी मेरे नाल वादा करो कि इंशाल्लाह पांच वक्त दी नमाज पढ़ सकते चुकी रखो चुकी सारे इंशाल्लाह पांच वक्त दी नमाज रमजान दे रोजे रक्स हैं रमजान दे रोजे रोजाना कुरान पढ़ सकते किसे दा हक खाना बच्ची बोलो किसे दा हक खाना किसे दा हक नहीं खाना बेटा किसे दा हक नहीं खाना चोरी नहीं करनी गीबत नहीं करनी चुगली नहीं खानी दिल च हसद बुगल नहीं रखना जिस दिल च यार दी मोहब्बत होवे उत्थे होर कुछ नहीं आंदा दिल इन चीजा तू पाक हो जांदा है। बरादरान इस्लाम हमारा एक ही मकसद है महफिल मनाने का कि असी कुरान सुन्नत पे अमल करने वाले बन जाइए। यकीनन रात का काफी साबित गया कबूलियत का वक्त है मैं दुआ करना कि आज भी साड़ी हाजरी अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमाए सादात का सदका रब्बे जुल जलाल सब से माल जान इज्जत आबरू दी हिफाजत फरमाए यार जिंदा सोहबत बाकी वमा अलैया इल्लल बलाग।